स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्रैक्शन। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट है, पहला वीडियो है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स का, यानी कि क्लास 10 का ये 10th चैप्टर जो है, यहाँ से फिजिक्स मेरा स्टार्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले आज हम इस पार्ट में समझते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, पहले पार्ट में आज हम आपको बताएंगे कि लाइट के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, लाइट को समझते हैं, लाइट क्या है। तो मैं वैसे आपको सबसे पहले बता दूं कि लाइट से हम लोग सभी लोग इंट्रोड्यूज हैं, कि लाइट के माध्यम से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और जैसे हम समझे कि अगर हम किसी बंद रूम में, अंधेरे में, अगर हम अपनी आइज को ओपन करके रखते हैं, तब भी हमें कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आँखों के अलावा, यानी आइज के अलावा भी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं लाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, आइज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अलावा भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि लाइट को हम पैसे जनरली देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसका फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि लाइट क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अगर लिखवाएं कि लाइट इज दी फिजिकल मीन्स और रीजन्स थ्रू विच वी सी थिंग्स, यानी कि इसका मतलब यह है कि लाइट एक फिजिकल माध्यम है या फिजिकल साधन है, जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या इसको अदर वर्ड में बोलें कि लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट अकाउंट्स से आवर विजुअल नॉलेज, यानी कि लाइट जो होता है एक प्रकार की एनर्जी होती है, जो हमारे आँखों की दृष्टि ज्ञान होते हैं, आँखों के जो नॉलेज होते हैं, उसको क्या करता है, जागृत करता है या बढ़ाता है। ठीक है, ये तो मेरा होता है लाइट होता है। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे आपको नोट में बता रहा हूँ। नोट मतलब यह होता है कि कोई बहुत स्मॉल पॉइंट होता है, और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्टिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर एनर्जी एंड अदर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाइट होता है, जो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल एनर्जी होती है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो अदर एनर्जी होगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा था लाइट के बारे में। तो चलिए हम इसके आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी ऑप्टिकल एनर्जी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं अदर एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे समझे एग्जांपल में, व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हिट ए पीसेस ऑफ आयरन विथ ए हमर आई स्पार्क इमिट्स, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लैक एक जब ब्लैक स्मिथ, यानी ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोहार बोलते हैं। ठीक है, जब ब्लैक स्मिथ आयरन के पीस को हमर से क्या करता है, बीट करता है, हिट करता है, यानी कि हमर आयरन पे क्या करता है, हमर हमर मतलब होता है हथौड़े से जब उसको पीटता है, तो आ स्पार्क इमिट्स, यानी कि यहाँ पे कुछ चिंगारी निकलती है। चिंगारी समझते हो ना, इमिट्स स्पार्क, यानी स्पार्क होता है। ठीक है, जैसे हियर द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन दी फ्रॉम टू लाइट एंड ए थर्मल एनर्जी, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब ब्लैक स्मिथ अपनी एनर्जी को, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को लूज करता है, तो यहाँ पे वह एनर्जी किस में फॉर्म हो जाता है, लाइट में फॉर्म होता है, और किस में फॉर्म होता है, थर्मल एनर्जी में, यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम सिंपल समझ सकते हैं कि हम जब भी किसी भी आयरन के पीस को हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, हम लोग ऐसे जनरली देखते हैं। वह जो चिंगारी होती है वह एक टाइप्स का क्या होता है, लाइट देता है हमें। ठीक है, क्या शो करता है, लाइट देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे थर्मल एनर्जी, और हम जिस हम जानते हैं आयरन के जिस पीस पे हम क्या करते हैं, जिस प्लेस पे हम हीट करते रहते हैं, वहाँ पे अगर टच करेंगे तो वहाँ पे उसका पीस क्या आता है, हीट हो जाता है, यानी कि वहाँ थर्मल, थर्मल मतलब हीट एनर्जी। ठीक, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी हम इस फिगर में समझ सकते हैं कि एक आयरन का पीस लिया गया है, इस आयरन के पीस को अगर देखें यहाँ पे, इसको क्या किया गया, हीट किया गया, और हीट करने इसको हम हमर से, यही हमर है। ठीक है, इस हमर से अगर हम इसको बीट करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रही है, लाइट भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि
लाइट हमें भी मिल रहा है, और क्या हो रहा है, यह कैसा होता है, थर्मल एनर्जी भी शो करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट और आपको समझाएंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज। तो लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हम आपको ये पेज रिवाइज कर दें। क्या होता है लाइट, क्या होता है लाइट इज़ द फिजिकल मीन्स और रीजन थ्रू विच वी सी थिंग्स, यानी किस लाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसको अदर लैंग्वेज में बताएं, अदर डेफिनेशन दें, तो लाइट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट अवेकन्स आवर विजन नॉलेज, यानी कि यह जो लाइट होता है या एक प्रकार के क्या होती है एनर्जी होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और हम लाइट को ऑप्टिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें किसमें, अदर एनर्जी में, और अदर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल एनर्जी में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज, यानी कि आप हेडिंग लगाइएगा क्या, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होती हैं। चलिए देखते हैं, दोज ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इमिट्स लाइट कॉल्ड एज लुमिनस बॉडीज, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट, बॉडीज का यहाँ पर क्या सेंस है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, लाइट इमिट करता है, यानी कि सेल्फ से वो लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, इमिट मतलब निकालेगा, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सेल्फ की लाइट होती है उसको हम क्या कहते हैं, लुमिनस बॉडीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो सन होता है, कैंडल होता है, एक्सेट्रा, यानी कि सन मतलब सूरज, जो सन से हमें लाइट मिलती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, सन यानी कि वो खुद ही क्या करता है, ब्राइट करता है, यानी खुद वो लाइट अपना क्या करता है, इमिट करता है। क्लियर, ऐसे ही हम देखेंगे नॉन लुमिनस बॉडीज क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट डू नॉट ऑटोमेटिकली इमिट्स लाइट आर कॉल्ड एज नॉन लुमिनस बॉडीज, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली लाइट इमिट नहीं करता है, या जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सेल्फ की लाइट नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस बॉडीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मून देख सकते हैं, टेबल देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, एक्सेट्रा, बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर खुद की लाइट नहीं होती है, यानी कि हम टेबल को देखते हैं तो हमें किसकी जरूरत, टेबल को देखने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सन था, सन को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सन हमें खुद ही लाइट देता है। ठीक है, लेकिन मून जो होता है हम जानते हैं सन से वो खुद ही लाइट लेता है। ये सब एग्जाम्पल मेरे क्या थे, नॉन लुमिनस बॉडीज के थे। आप कुछ भी एग्जाम्पल से देख सकते, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं नॉन लुमिनस बॉडीज और लुमिनस बॉडीज के। ठीक है, तो इजी टॉपिक था लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडीज। चलिए अब हम आगे समझते हैं ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम इस चीज़ को समझते हैं, हेडिंग लगाएंगे ऑप्टिकल मीडियम। क्लियर, लाइट दिस सब्सटेंस थ्रू विच इट ट्रेवल्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट से होके ट्रेवल करता है, यानी कि लाइट दिस सब्सटेंस थ्रू विच इट्स ट्रेवल्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि लाइट जिस ऑब्जेक्ट से, जिस सबस्टेंस से, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब सबस्टेंस, जिस सबस्टेंस से होके ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। क्लियर, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट ऑफ लाइट थ्रू मीडियम्स, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल मीडियम होता है इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट होता है मेरा ट्रांसपेरेंट, सेकंड होता है मेरा ट्रांसलूसेंट, और थर्ड होता है मेरा ऑपेक्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल मीडियम जो होता है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला होता है ट्रांसपेरेंट, सेकेंड होता है ट्रांसलूसेंट, और थर्ड होता है ऑपेक्यू। ठीक है, तब हम यहाँ पे वन बाय वन करके एक एक चीज़ समझ लेते हैं और अपनी नोट्स में राइट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। चलो हेडिंग लगाएंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, लगा लिए ना, चलो ठीक है। अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड मेकिंग द ऑब्जेक्ट टू बी सीन क्लियरली इन कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, क्या बता रहा है, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड मेकिंग द ऑब्जेक्ट टू बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा सबस्टेंस जिसमें से
लाइट जो होती है इजिली ट्रांसमिटेड हो जाती है। इजिली ट्रांसमिटेड का मतलब वो उसमें से लाइट 100% क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा सबस्टेंस जिसमें से लाइट क्या हो जाए, इजिली क्रॉस हो जाए, ट्रांसमिटेड मतलब पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, मीडियम कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे हम ग्लास ले लें, ग्लास बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है किसका, ट्रांसपेरेंट का। अगर ग्लास ले रहे हैं हम, ग्लास के एक साइड से देखें तो दूसरे साइड वाला हर चीज़ हमें क्लियरली दिखाई देता है, यानी कि उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई, क्लियर दिखाई देता है। इसलिए वो जाता है सबस्टेंस थ्रू विच लाइट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड, यानी इजिली तो ट्रांसमिटेड होता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है, मेकिंग द ऑब्जेक्ट टू बी सीन क्लियरली, यानी कि और जो भी ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, मेक करता है, वह हमें क्लियर रूप से दिखाई देता है। जैसे अगर हम इसमें देखें, इस फिगर में देखें कि यहाँ पे आपको क्या लिया है, ग्लास लिया गया है। इस ग्लास में देखो लीफ है, लीफ के यहाँ पे फिश है, इसमें भी सेम फिगर है ऐसे, यानी कि यहाँ पे हम फिश को देख रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह जो ग्लास लिया गया है यह मेरा क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्यों, क्योंकि इसमें से हमें इस ग्लास में जो भी चीज़ें रखी गई हैं, जैसे फिश रखा गया है, लीफ रखा गया है, यानी कि यहाँ पे हमें वो चीज़ क्या दिख रहा है, क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। एयर भी आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और प्योर वाटर भी आपका क्या होता है, ट्रांस मीडियम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलिए अब हम अगले पेज पे समझते हैं कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है और ऑपेक्यू होता है। चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए ट्रांसलूसेंट और ट्रांस ऑपेक्यू को समझने के लिए। आइए अब समझते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है, हेडिंग लगाएंगे ट्रांसलूसेंट मीडियम। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द मीडियम थ्रू विच ओनली ए पार्शियल पोर्शन ऑफ द लाइट ट्रेवल थ्रू इट्स कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट मीडियम। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा सबस्टेंस, ठीक है, या ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पार्शियली रूप से पार होता है, पार्शियली रूप से ट्रेवल करता है। पार्शियली मतलब हमने आपको बताया था, पार्शियल मतलब होता है कम्प्लीटली उसका आर पार नहीं होना। ठीक है, यानी कम्प्लीट रूप से लाइट एक वन साइड से दूसरे साइड में नहीं क्रॉस करना। ठीक है, यही चीज़ बता रहा है, दी मीडियम थ्रू विच ओनली ए पार्शियली पोर्सन ऑफ द लाइट ट्रेवल इट थ्रू इट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस मीडियम में, ट्रांसलूसेंट मीडियम में जो लाइट होता है वह कम्प्लीटली थ्रू आउट नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा, यहाँ पे पार्शियली होगा, यानी कुछ भाग ही इसका क्या होगा, आर पार होगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि यानी कि ट्रांसलूसेंट मीडियम में जो लाइट होता है वह कम्प्लीटली आर पार नहीं होता, यानी कम्प्लीटली मतलब नहीं होगा, फिर कैसा होगा, पार्शियली होता है, पार्शियली मतलब कुछ ही भाग इसका आर पार होता है। ऐसे मीडियम को या ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम या ट्रांसलूसेंट सबस्टेंस बोलते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, पावर्ड ग्लास, आयल पेपर, डर्टी वाटर एक्सेट्रा। यानी पावर्ड ग्लास का मतलब यहाँ पे यह होता है कि जैसे आपका ग्लास होता है ना, उसको थोड़ा सा ग्लास को आप स्क्रेचदार हो, जैसे घिसा हुआ ग्लास ले लो, घिसे हुए ग्लास को हम क्या बोलते हैं, पावर्ड ग्लास बोलते हैं। ऑयल्ड पेपर यानी कि आपका कोई पेपर है, अगर उस पर ऑयल आयल लगा हुआ है उसको भी आप देख सकते हो, यानी कि सिंपली आप ऑयल्ड पेपर का प्रैक्टिकल कर सकते हो खुद ही। एक ऑयल्ड पेपर हो, खुद ही ना हो तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना और वहाँ से टार्च लेके एक साइड से ऑयल के साइड से क्या करना, फोकस करना, तो आप देख पाओगे कि उसमें से, उस पेपर में से जो लाइट होती है कम्प्लीटली क्रॉस नहीं होती लेकिन पार्शियली होती है, ये समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही डर्टी वाटर होता है, डर्टी मतलब गंदा पानी होता है, जो उसमें से भी लाइट कम्प्लीटली क्रॉस नहीं करता है, उसमें भी पार्शियली पोर्सन ही लाइट का क्या होता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। समझ में आया, ओके ओके, वेरी गुड। चलो अब हम बताएंगे यहाँ पे आपको अपक्यू, अपक्यू क्या होता है यहाँ पे, चलो ये समझते हैं, हेडिंग लगाएंगे अपक्यू, यानी कि दिस सबस्टेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास थ्रू इट्स कॉल्ड एज अपक्यू। यानी कि सिंपल बात है कि हमने आपको ट्रांसपेरेंट बताया, उसमें लाइट क्या था, आपका लाइट क्या था, उसमें से पार हो रहा था, यानी कि कंप्लीटली पार हो जा रहा था। ठीक है, कम्प्लीटली मतलब देखो, ट्रांसपेरेंट में ये मत समझना कम्प्लीटली मतलब एकदम 100% होगा, ऐसा मत समझ, उसमें भी 99% हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में भी जो लाइट होता है कितना क्रॉस करता है, 99% करता है। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट में बहुत ही कम, पार्शियली रूप से जाता है,
और जो अपर क्यू होता है, अपर क्यू में लाइट वन साइड से अनदर दूसरे साइड में क्रॉस ही नहीं करता, यानी कि एकदम नहीं क्रॉस करता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि दिस सबस्टेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट्स कॉल्ड एज अपर क्यू, यानी कि इस ऐसा सबस्टेंस जिसमें से लाइट एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस नहीं करता है, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, अपर क्यू बोलते हैं। चलो ठीक है, अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि ऐसा कौन सा सबस्टेंस होगा या ऐसा कौन सा प्लेस होगा जहाँ पे लाइट कम्प्लीटली 100% क्रॉस करता होगा। देखो ऐसा एक ऐसा एक ही मीडियम है जहाँ पे लाइट क्या होता है, कम्प्लीटली 100% क्रॉस होता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। यानी वैक्यूम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लाइट क्या करता है, 100 कम्प्लीटली 100% क्या होता है, आर पार होता है, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम मीडियम कहते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको फिगर में समझ में आ जाएगा। फिगर में देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसलूसेंट है, यहाँ पे अपर क्यू। ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पे देखिए, ये ग्लास लिया हो, इसका पूरा फेस हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रांसलूसेंट में आप देखेंगे इसका कुछ ही फेस का कुछ ही पार्ट हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपर क्यू में देखेंगे यहाँ पे इसका फेस में से कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम फिगर से समझ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और अपर क्यू क्या होता है। और आपका मेन पॉइंट है क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है, लाइट कम्प्लीटली 100% आर पार हो जाती है, ठीक है, ट्रेवल करता है आर पार होके, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। बाकी 99% जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें लाइट क्रॉस होती है। बाकी ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, पार्शियली पोर्शन क्या होता है, आर पार होता है, और अपर क्यू में क्या होता है, एकदम से लाइट आर पार होती ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर क्यू मीडियम कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। आप हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए अभी यहाँ पे, आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में बताया जाएगा, जो इसका आएगा दूसरा वीडियो उसमें बताया जाएगा रे ऑफ लाइट। लेकिन बहुत ही ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑफ लाइट, तो भूलिएगा मत, ठीक है। आपको पार्ट टू देखना है, और पार्ट वन अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम आपको सेकेंड वीडियो जल्द से जल्द दे दें, ठीक है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे पार्ट वन आपको कैसा लगा है, आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तब तक हम सेकेंड वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव ए नाइस डे।